उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े, क्यों भाई हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियार तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगे करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े, क्यों लोग? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो है वो इकॉनमी से नहीं, जज्बे से लड़ी जाती है, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती है। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहां से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहां से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी एक बंदा उधर खड़ा हो जाए कलेशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाए जी, पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर है आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अब देखें आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका अहदा ही गैर कानूनी हो जाता है, ये खुद क्यों बैठा हुआ है? ये जो नवारुल्ला काकड़ है उसकी स्टेटमेंट देना बनती नहीं है। मैंने इतनी वीडियोस आपके साथ रिकॉर्ड कराई हैं, कोई एक मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर हिम्मत है कि वो मेरी वीडियो को मेनस्ट्रीम वीडियो पे चला दे? ठीक है, नहीं ये भी मैं इधर से एक बात और करने चलूँ, आपने खुद ही बात कर दी है हिम्मत है मेनस्ट्रीम मीडिया पे, कल को अगर आपका सामना या मुझे ही कोई मेनस्ट्रीम मीडिया से कॉन्टैक्ट करता है कि भाई लाओ आप क्या सारा दिन इंडिया 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 लगे रहते हो, लाओ दिलशाद को, लाओ आबिद अली को, क्या आपके पास इतना नॉलेज विद फैक्ट बात करने का है कि अगर हम डिबेट करें किसी भी जर्नलिस्ट के साथ मेनस्ट्रीम मीडिया पे बैठ के तो आप रेडी हैं? मैं तो इनको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, मेरे साथ आके बैठे और मैं इनसे ये इन्होंने एक वादा करना है कि और क्या वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक 300 जंगे लड़ने के लिए तैयार है और वो भी इंडिया के साथ, जबकि इस टाइम पे हम भूख के साथ जंग लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई ये जो आपने स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी और बहुत ज्यादा वायरल है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है, 76 साल से ये चीजें हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमें जज्बाती स्टेटमेंट दे के 300 जंगे लड़ने के लिए तैयार है, कश्मीर लेके रहेंगे, ये वो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें ये तो पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके एड्रेस किया है लोगों को, कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन पहले नंबर पे तो हम देखते हैं ना कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है, आप मेहरबानी फरमा कर आईन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उसका उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिस पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेके सफर करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी वहाँ पे, शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ, उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में, और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कह रहे हैं 300 जंगे लड़ेंगे। बेनजीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी, उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूँ लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं है। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े, क्यों भाई हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम भाई? जब इख्तियार तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है वहां पे जाके देखें, वो लोग तो जो हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट। भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें हम अपने आप को कहते हैं कि जी बड़ी डेमोक्रेसी है, आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है वहाँ पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल, अभी देखें अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे? एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं, कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है
वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े क्यों। वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो है वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती है, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब हो भाई जज्बे से लड़ी जाती है। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था यहां से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहां से आप तलवार लेके निकला 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार करना है और आप टेक्नोलॉजी में। दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी, मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, आईटी में उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं हेल्दी कॉम्पिटिशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज हम जो उनसे वही बात कर रहे हैं जंग की, वो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना दे के दिखा दें, आप कहेंगे जी हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने आईआईटी जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ या जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, और हाँ जी अच्छा अदलशाद भाई ये देखने वाली बात है कि हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आए दिन नई ऑर्गेनाइजेशन उठती है, कभी कोई चकवाल में अटैक करती है, कभी कोई बन्नू में अटैक करती है, कभी कोई बलोचिस्तान में अटैक करती है, हम उनको काउंटर उस तरीके से नहीं कर पा रहे। अभी पिछले दिनों 23 पाकिस्तानी फोर्सेज के 23 जवान जिनकी जानें गई हैं एक अटैक में, क्या कहेंगे? हम बात करते हैं जी हम 300 जंगे उनके साथ लड़ेंगे, ये जो अपने घर के मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते, टीटीपी को, तालिबान को, या जो भी हैं। देखिए बलूचिस्तान के अंदर तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा कोई रूल नहीं चलता जो कि इंटीरियर बलूचिस्तान है, और इंटीरियर सिंध के अंदर भी नहीं चलता। वहाँ पे एक वडेरा सिस्टम और वहाँ पे एक कबायली सिस्टम और वो उसको लेके चल रहे हैं, और वहाँ पे हमारा कोई भी इदारा जो है वो अपना कानून नाफिज नहीं कर सकता। तो पहले के ऊपर सबसे पहले तो आप इंटीरियर मामला अपने ठीक करें ना। जनूबी पंजाब में कच्चे के डाकू, जनूबी पंजाब में आप कच्चे के डाकू ने आपको वक्त पाई रखा है, छोटू गैंग ने आपको वक्त पाई रखा है, इलेक्शंस आपसे नहीं हो रहे, सिक्योरिटी आपके पास नहीं है। भाई आप देखें, अगर आपने मुकाबला करना है उनको एजुकेशन में, उनके साथ आप मुकाबला करें, एक हेल्दी कंपटीशन आप आए मुकाबला करें। और दूसरे नंबर पे अब वो मेरे ख्याल इसलिए उन्होंने बोला है जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसको आर्टिकल 370 लीगलाइज कर दिया है, ठीक है। तो यार देखिए वो उनका अपना एक इंटीरियर मसला। और दूसरे नंबर पे आप जब किसी को कहते हैं कि हम ये कश्मीर छुड़वाना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बनाएं जी, पहले मुझे ये बताएं कि अगला जो आज़ाद कश्मीर आपने उसको मॉडल बना दिया हुआ है कि आप लोगों को दिखाएं जी ये देखें जी ये आज़ाद कश्मीर है, ये हमने मॉडल बना दिया है, आए हमारे पास आके रहें। आप कश्मीर के लोगों से जाके पूछें क्या वो रहना भी चाहते हैं आप लोगों के साथ कि नहीं रहना चाहते। जहाँ पे जो हमारे पास चार सूबे हैं ना, चार सूबों में हमने ऐसा क्या दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं जिसकी बिना पर हम जाके कह रहे हैं कि हमने उसको भी आज़ाद करवाना है, ठीक है। और वो फिर ये भी सवाल है, ये जंगे करके देख ली हैं मेरे भाई, हमने 1947 से हम स्टार्ट हुए हैं, आज 2024 आने वाला है, वहाँ पे खड़े हैं, हमने कितनी जंगें लड़ी हैं, हमें एक जंग का भी कोई फायदा हासिल हुआ है सिवाय इस बात के कि हम बहुत पीछे चलते गए हैं। अभी भी ये दौर जो है ना, अब हम इंसानी तारीख में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जो जंग है वो किसी मसले का हल नहीं है, और ये सब लोग कर सकते। जैसे हमारे यहाँ अब देखिए हमारे मुल्क का ये हाल है कि हमारे यहाँ 4 प्राइम मिनिस्टर नाहल हो चुके हैं और 3 प्राइम मिनिस्टर हमारे कत्ल हो चुके हैं, ठीक हो। हमारे यहाँ या वजीर आजम जो है हमारा, जो हमारा सबसे बड़ा आईनी होता है, वो महफूज नहीं है यहाँ पे, और आप हमें जंगों की बातें सुनाते हैं। इमरान खान को गोली, आर अली भुट्टो को आपने जुडिशियल मर्डर किया, बेनजीर भुट्टो को आपने असैसिनेट किया, लियाकत अली खान को आपने असैसिनेट किया, हुसैन शहीद सोहरावर्दी को जो आपने वो नाहल करवाया, इमरान खान नाहल हुआ, नवाज शरीफ नाहल हुआ। मुझे बताएं ना यार आप करना क्या चाह रहे हैं, आप एक डेमोक्रेसी के निजाम को क्यों नहीं चलने दे रहे? अच्छा इसी स्टेटमेंट के, इसी मतलब स्पीच के दौरान पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है जबकि उसे लार्जेस्ट हिपोक्रेसी कहना चाहिए अपने आप को, यानी कि भाई वो अपनी बात पर नहीं कायम रहता। आप मुझे बताएं इससे हम अगर फॉरन पॉलिसी की, इंडिया की फॉरन पॉलिसी की बात करें, कोई मैंने एक दिन एक पाकिस्तानी से पूछा मुझे कोई 4 ऐसे कंट्री बता दें जिसके साथ इंडिया के रिलेशन नहीं बेहतर, पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के, आप मुझे बता दें कोई 3-4 ऐसे कंट्री। ऐसे तो कोई नहीं है, देखें पाकिस्तान के अंदर देखें जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अब वो उनका जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्टर जयशंकर है यार, वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है। जब बंदे एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आएंगे तो आपको आउटपुट अच्छी मिलेंगी। अब मुझे देखें, इन्होंने कहा जी हाइपोक्रेसी है इंडिया,
मैं इस बात से बिल्कुल इतफाक नहीं करता। अब देखें, आप अपनी डेमोक्रेसी को कंपेयर करें, ये जो खुद बंदा बैठा हुआ है, ये गैर कानूनी तौर पर बैठा हुआ है, 3 महीने के बाद तो इसका अहदा ही गैर कानूनी हो जाता है। ये खुद क्यों बैठा हुआ है, ये जो अनवारुल्ला काकड़ है, उसकी स्टेटमेंट देना बनती नहीं है। ठीक है, अच्छा इधर मैं एक और चीज क्लियर करना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा सा जाहिर बात है जब नॉलेज नहीं होता उस तरीके से, जो हमें हिस्ट्री के बारे में बता दिया गया, जो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बता दिया गया, जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बता दिया गया, जब हम सारी जिंदगी वही सुनते रहते हैं तो ऐसी कोई बात करता है तो बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन छोड़ने वाला हूँ पाकिस्तान से, जो लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़रा गूगल करके चेक करिएगा गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़, इंडिया साइड कश्मीर में कितनी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे कितना हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के और वहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें, यहाँ पे कितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ चुके हैं, वहाँ पे कितने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ चुके हैं, इवन यूएई की बात करें, यहाँ पे पाकिस्तान साइड कश्मीर में कौन सा ऐसा इस्लामिक कंट्री है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि इंडिया साइड कश्मीर की बात करें तो कितने ऐसे इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है। G20 की मीटिंग वहां पे हो चुकी है, यहां पे नहीं हुई, और एट द एंड जब कोई चीज नहीं मिलती तो एक बात दिलशाद भाई आ जाती है, यार जितनी मर्जी फैसिलिटी दे दो, दूध दे दो, उन्हें शहद दे दो, जो भी दे दो, वो मजहबी तौर पर आजाद नहीं है तो इस आजादी का क्या फायदा। आप मुझे बताएं यहां पर अगर हम माइनॉरिटीज हिंदू की बात करें फिर वो मजहबी तौर पर आपको मतलब ये फिर ऐसे तो बड़ी बात उठती है। देखें जी, पहले नंबर पे आप बताएं आपके यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया। आप एक बात किसी इदारे के खिलाफ कर दें और उसके बाद आप अपना हशर देखेंगे, आपका हशर क्या होता है। आप एक बात किसी ऐसे मुल्ले के खिलाफ कर दें उसके बाद आपके ऊपर कत्ल के फतवे लगते हैं, और आप बात करेंगे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है वहाँ पर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ शिया कम्युनिटी जो हमारी है उसके साथ इन्होंने कितना जुल्म किया है, उनकी इमाम बारगाहों को उनको उड़ाया, इन्होंने बम बांध के चले जाते थे। ठीक है, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो उनके और हमारे यहाँ बाथरूमों के अंदर शिया काफर के नारे लिखे हुए हैं। ठीक है, आप लोग जो लोग मेरे सुन रहे हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको पता होगा, हर बंदे ने जिंदगी में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोग जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है आपने उनके साथ क्या किया, जड़ावाला के अंदर आपने उनके साथ क्या किया है। हिंदुओं की तो बात नहीं ना करेंगे, उसमें तो जरा ज्यादा मजहबी टच आ जाएगा कि नहीं नहीं ये कैसी बात यार। पहले नंबर पे तो मुझे ये बताएं कि कौन सा मजहब आपको ये सिखाता है कि आप दूसरे मजहब के लोगों की तोहीन करें। मुझे पहले नंबर बता दें कोई ऐसा मजहब दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि ये बताता हो कि दूसरे मजहब लोगों की आप तोहीन करें या उनके जो जज्बात है उनको मजरूह करें या उनको कत्ल गारत करें। एक एलिमेंट ये भी आता है कि हमारे जो मौलाना हजरात हैं, सिर्फ मौलाना नहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जज्बाती लोग हैं जो कि मजहब को भी अपने तौर पर एक जो वो मॉडरेट करके लोगों के सामने पेश करते हैं कि भाई इस्लाम ने ये कह दिया, मजहब ने ये कह दिया, जबकि हकीकत में वैसा होता ही नहीं है। यार देखें, ये जो हमारे यहाँ खास तौर पे ये जो मुल्ले हैं ना, जैसे मैं अब वो एक जमात का नाम नहीं लेना चाहता, यार अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी इस्लाम की खिदमत होती है कि वो एक रोड बंद कर देते हैं, एक गरीब बेचारा रिक्शा लेके जा रहा होता उसका रिक्शा तोड़ देते हैं। लेकिन वो कहते हैं हम निकलते भी तो गरीबों के लिए है ना, उनके लिए निकलते हैं, वो बेचारा एक रिक्शा लेके जा रहा उसका रिक्शा तोड़ दिया, वो बेचारा एक रेडी लगा खड़ा उसका फ्रूट उठा के ले गए, ATM मशीनें तोड़ दी। यार ये आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं या पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, और जो आपके लीडर्स हैं उनके ऊपर अगर तवज्जो करेंगे, वो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लिया था, एक साइकिल से आए थे वो, और आज वो जो वीगो डाले पे फिर रहे हैं यार, और वो क्रूजर्स पे फिर रहे होते हैं। इसलिए आप यार देखें, सबसे पहले तो कोई भी मजहब जो है ना वो आपको इंतशार नहीं सिखाता। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर बंदा जो है वो मजहब प्रैक्टिस करे, उसको पूरा हक है। ठीक है, उसको कोई किसी चीज से आप मना नहीं कर सकते अंटिल और अनलेस वो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, डिस्टर्ब ना करे, आप वो जैसे मर्जी प्रैक्टिस करे। अब हमारे यहाँ कई ऐसी माइनॉरिटीज़ जैसे मैंने शिया का नाम लिया, उनके बिचारों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ठीक है, कई जगह पे उन्होंने भी किया है लेकिन उनके साथ भी बहुत हुआ, लेकिन रिएक्शन तो कुछ ना कुछ आता है। दिलशाद भाई मुझे ये बताएं, ये कश्मीर का जो चूरन बेचा जाता है ये कितनी देर तक चलता रहेगा? मतलब मुझे अक्सर मैं सोचता हूँ कि यार जितना आप सोशल मीडिया पे चीजें क्लियर हो चुकी हैं, सोशल मीडिया का मतलब या इंटरनेट पे मतलब आप सर्च करें तो बहुत सी ऐसी चीजें, अगर आप जानना चाहें, अगर आप वाकई में सच को समझना चाहें तो बहुत सी चीजें जो आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की यूथ की अगर बात करें आज भी कश्मीर के नाम पे एक मिनट में जज्बाती हो जाते हैं, और फिर उसका एक नेगेटिव एलिमेंट जो है ना वो सामने लाया जाता है कि ये देखो ये क्या कह रहा है, कश्मीर इंडिया को दे दो। और मैं कहता हूँ भाई जो हमारे साइड पे है हमने उसके लिए क्या किया, और फिर दूसरे नंबर पे 76 साल से हमें क्या फायदा हुआ ये नारे लगाने का, मुझे जवाब दे दो बस। मैं तो नहीं कह रहा कि फायदा हुआ या नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ और कश्मीरियों को क्या फायदा हुआ है मुझे बताएं जी। लोग सर बहुत पढ़ लिख चुके हैं, लोगों को सारा पता है, यहाँ पे सिर्फ मेन मसला ये है कि यहाँ पे एक डर लगा हुआ है कि अगर हम कोई अच्छी बात करेंगे, कोई इस तरह की जो है वो रियलिटी पे बात करेंगे तो हमें कोई ना कोई उठा के ले जाएगा। और सर ये हकीकत भी है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है यार। आप ये देखेंगे यहाँ पे जो इदारों के लोग हैं वो उन लोगों का भी लिहाज नहीं करते जो 80-80 साल के बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा के ले जाते हैं यार। हमारे यहाँ वो एक इबाद फरूक लड़का है, उसके बेटे को उठा के ले गए थे यार,
आपको पता है, इसलिए लोगों को पता सब कुछ है। आज आपने देखें, आपने सर्वे करवाया इमरान खान के हक में, 90% लोगों ने इमरान खान के हक में सर्वे दिया। अब मुझे बताएं, क्या आप इधर 5-10 बंदे खड़े हैं, क्या कोई बंदा कह सकता है कि इमरान खान आ जाएगा पावर के अंदर? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते कि इमरान खान पावर के अंदर आए, हालांकि अवामी राय उसके साथ है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरी हमदर्दियाँ किसी पोलिटिकल जमात के साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक अवामी राय जो है उसको अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ पर देखें, अगर तो अवाम की राय पर अगर एक बंदा उठ के ऊपर आए ना, तो फिर उसकी बात अलग होती है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बुरे से बुरा डेमोक्रेट अच्छे से अच्छे डिक्टेटरशिप से बेहतर होता है, डिक्टेटर से बेहतर होता है। इसलिए यहाँ पे यार एक ही हाल है पाकिस्तान का, डेमोक्रेसी। हमने डिक्टेटरशिप यहाँ पे उठा के देख ली, हमें कुछ नहीं मिला। रियल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो भी है डेमोक्रेसी, मैं तो इसको कोई डेमोक्रेसी नहीं मानता कि आपके पंजाब के अंदर 7-8 महीने हो गए इलेक्शन कोई नहीं हो रहे, आपके आइन में लिखा हुआ 3 महीने में इलेक्शन होने हैं, वो मोहसिन नकवी बैठा हुआ है यहाँ पे, सेंटर के अंदर मामला काकड़ बैठा हुआ है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है कि अभी इलेक्शन होने हैं या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट की आपने पाकिस्तान की अगर बात, मैं वो रिपोर्ट भी आई है, वो एक रिपोर्ट आई है जी हमारे पाकिस्तान की जो अदलिया है वो 3rd नंबर पर करप्ट तरीन इदारा है, जिससे हमने इंसाफ लेना है, जिससे हमने दरवाज़ा खटखटाना है कि यार हमें इंसाफ दो, वो खुद करप्शन में 3rd नंबर के ऊपर आई है। अब और ओवरऑल मेरे ख्याल वो पाकिस्तान की जो अदलिया वो 125 के 127 नंबर पे आई है। अब हमने देखे ना, पाकिस्तान के 2-3 पिलर्स होते हैं, हमारा मीडिया एक पिलर होता है आपका, उसके बाद जो सिचुएशन है मीडिया की वो आपके सामने है, अदलिया होती है, पार्लियामेंट होती है, उसके बाद आपका सेनेट होता है, उसके बाद आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है। 5 चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी, इनमें से एक चीज़ ऐसी बता दें, अदलिया 3rd नंबर पर करप्ट, पार्लियामेंट एग्जिस्ट नहीं करती, सेनेट के अंदर बकरियों की तरह आवाम बेच के सेनेटर बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्यूरोक्रेसी पे आ जाएं, एक ब्यूरोक्रेट बंदे को आप उठा के देख लें, जब वो रिटायर होता है उसके पास इतने पैसे होते हैं जितने एक इंडियन जर्नैल के पास पैसे नहीं होते, ठीक है। मीडिया पे आ जाएं, मीडिया आपका क्या करता है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया, मैंने इतनी वीडियोस आपके साथ रिकॉर्ड कराई हैं, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हिम्मत है कि वो मेरी वीडियो को मेन स्ट्रीम वीडियो पे चला दे? ठीक है, नहीं ये भी मैं इधर से एक बात और करने चलो, आपने खुद ही बात कर दी है हिम्मत है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कल को अगर आपका सामना या मुझे ही कोई मेन स्ट्रीम मीडिया से कॉन्टेक्ट करता है कि भाई लाओ आप क्या सारा दिन इंडिया 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 लगे रहते हो, लाओ दिलशाद को, लाओ आबिद अली को, क्या आपके पास इतना नॉलेज विद फैक्ट बात करने का है कि अगर हम डिबेट करें किसी भी जर्नलिस्ट के साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के तो आप रेडी हैं? मैं तो इनको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ, मेरे साथ आके बैठे हैं, और मैं इनसे ये इन्होंने एक वादा करना है कि ये प्रोग्राम वैसे ही चलाना है, और अगर वो प्रोग्राम वैसे चल गया तो इंशाल्लाह ताला आपको पाकिस्तान के अंदर चेंज भी नजर आएगी। हो गया जी, देखें बहुत से लोग हैं जो अभी मेरे से कॉन्टैक्ट भी करते हैं या इनडायरेक्टली मेरे तक मैसेज पहुंचाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया से कि भाई आप ज्यादा इंडिया इंडिया करते हो या तारीफ करते हो बिला वजह, तो आओ हमारे से बात करो। मैं भी ऑलरेडी मतलब इस चीज के ऊपर एक्सेप्ट कर चुका हूँ कि आए लॉजिकल बात करेंगे, लेकिन कैमरे हमारे भी होंगे, कैमरे आपके भी होंगे। दिलशाद भाई ने भी ऑफर किया कि भाई कोई भी जर्नलिस्ट किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया से हो या इवन सोशल मीडिया से हो, अगर हमारी बात गलत लगती है, ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान को डीफेम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हाँ अगर हम कुछ भी झूठ बोल रहे हैं तो भाई आओ हमें रियलिटी बताओ, हम रियलिटी मानेंगे, लेकिन अगर हमारी बात सच हुई तो आप भी हिम्मत करो कि जो हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए वो आप भी करो। मतलब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी आ जाता है कि शायद ये पाकिस्तान को डीफेम कर रहे हैं। यार पाकिस्तान को डीफेम करना मकसद नहीं है, पाकिस्तान जो हम पाकिस्तानी है, हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है, ये लेकिन एक एक्सट्रीमिज्म होती है जिसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। इनको मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि यार देखो, आप क्यों नहीं वो बंदे तलाश करते जिन्होंने डेमोक्रेसी नहीं चलने दी, आप वो क्यों नहीं बंदे तलाश करते जो कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने दे रहे, आप वो क्यों नहीं बंदे तलाश करते जो कि एक पोलिटिकल लीडर जो इस टाइम सबसे ज़्यादा उसकी फेम है वो जेल के अंदर क्यों है? आप वो बंदे, आप वो मरकज़ तलाश करें, वो लोग तलाश करें। आपके अंदर एक मैं एक सोच छोड़ के जा रहा हूँ, एक तहकीक का एक टॉपिक छोड़ के जा रहा हूँ, आपके उस पर रिसर्च करें। आपको नहीं लगता इसी टॉपिक के ऊपर जो इनवारुल हक काकड़ साहब ने स्टेटमेंट दिया 300 जंगों वाली, इसी टॉपिक के ऊपर मेनस्ट्रीम मीडिया बैठ के बात करता कि भाई ऐसी स्टेटमेंट नहीं थी देनी चाहिए? मतलब मेरे ख्याल से तो ऐसी ये डिबेट होती और फिर इंटरनेशनल लेवल पे बात जाती कि लोगों में देखो जी अवेयरनेस आ चुकी है, किसी एक ने भी ऐसी बात की हो, इवन अगर किसी ने की भी होगी अप्रिशिएट किया होगा कि भाई क्या बात है इनवारुल हक काकड़ ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे दिया, ये नहीं पता इंडिया वाले स्टेटमेंट पे हंसेंगे। यार इंडिया वालों को आपने मुंह तोड़ जवाब देना यार टेक्नोलॉजी में दे दो, आपको वो दिखा देंगे कि क्या हिसाब किताब है। और दूसरे नंबर पे ये कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया है इंतहाई बोंगी स्टेटमेंट दिया है, इसकी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। हमारा जो असली प्राइम मिनिस्टर होता है जो कि पीछे मैंडेट लेके आता है, उसकी स्टेटमेंट को भी इतनी अहमियत नहीं दी जाती। आप तो फिर एक डम्मी प्राइम मिनिस्टर हो,
आपको तो मैं प्राइम मिनिस्टर मानता ही नहीं हूँ, जो कि एक गैर कानूनी तौर पर एक सीट के ऊपर बैठे हुए तुम 5 महीने के अंदर तुम्हारा काम इलेक्शन करवाना, तुमसे इलेक्शन नहीं हो पा रहे। अच्छा दिलशाद भाई एक चीज मुझे तो ये बताएं, आपको लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो कश्मीर का इशू है ये पाकिस्तान साइड से हम हल करने की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि देखें यूरोप की अगर बात करें वैसे तो हम बहुत इंप्रेस हैं यूरोप से हर चीज में, हम इवन ड्रेसिंग हो जाए, अपने ड्रामा हो जाए, अपना डेवलपमेंट के हवाले से एग्जाम्पल सबसे पहले देते हैं जी यूरोप में ये हो गया या होना चाहिए, उधर इतने रूल्स हैं, इतने अच्छे रूल्स हैं, हर पाकिस्तानी नौजवान यूरोप जाना चाहता है। वहां पे जो उनसी जंगें हुई, वर्ल्ड वार हो गई, फिर भी वो आपस में मिलके बैठ के, उनकी तो इवन लैंग्वेज भी नहीं थी मिलती। हाँ जी देखिए, अब जर्मन है, फ्रांस है, इटली है, उनका लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा बड़ा है, लेकिन उनके बावजूद उन्होंने मसले का हल निकाला। देखिए आज दुनिया इस जगह पे पहुंच चुकी है, इस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि आपका हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ निगोशिएशंस हैं, मुजाकरात हैं, और मुजाकरात कौन करेगा? मुजाकरात कभी भी कोई इदारा मुजाकरात नहीं करता होता, हमेशा एक डेमोक्रेटिक लीडर जो होता है वो जाके मुजाकरात करता होता है। नवाज शरीफ साहब की अगर जैसे नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, जो भी डेमोक्रेटिक लीडर है भाई, हमारा जो डेमोक्रेटिक लीडर है हम उसको सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा अपनी आवाम से इल्तजा करता हूँ कि भाई जाग जाए, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव वो होता है जो आप वोट से चुनते हो। नहीं लेकिन डेमोक्रेटिक लीडर भी इधर बन जाते हैं, लाइक कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर तो रहता ही है ना एट अ टाइम, अभी भी चाहे केयर टेकर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या उनके पास पावर होती है? क्या वो जो स्टेटमेंट देते हैं वो खुद अपनी मर्जी से देते हैं? मुझे ये बात ईमानदारी से बताइएगा कि यहाँ पे मसला ये है कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और मैं आपको मजे की बात बताऊँ जी, हमारे यहाँ जी 6 महीने पहले डिसाइड हो जाता है किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है विदाउट वोटिंग। और अभी बहुत से लोग ये कह रहे हैं, मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ 90-95% ये कह सकता हूँ कि आने वाले प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब है। और अगर आप जाके लोग ग्राउंड रियलिटी पूछ लें तो नवाज शरीफ का नाम लेने वाले लोग बहुत कम है, इसके मुकाबले में इमरान खान का बहुत ज्यादा लोग नाम लेने वाले। तो हमारे यहाँ एक इलेक्शन भी ढोंग है, और इलेक्शन ठीक है उसके बाद जो होता है वो एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, पावर में आ जाता है, फिर उसके बाद अच्छा मजे की बात मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को 2/3 अक्सरियत भी नहीं ली जाती, उसको एक बिसाखियाँ फराम की जाती हैं। हमारी एक एस्टेब्लिशमेंट ने एक और काम भी किया हुआ है कि इन्होंने ना 3-4 जमातें तैयार की हुई हैं, और उनको ना ये 10-15 सीटें दिलवा देते हैं, और बाद में वो क्या करते हैं कि अब एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि 172 मैजिक नंबर है वो आपने हासिल करना। अब इन ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इतना कमजोर कर देते हैं कि वो 172 के नंबर पे ना पहुंच सके, 150-140 पे। अब वो जो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पार्टी बी टीम्स बनाई होती हैं, उनको हुकूमत में लेके आते हैं, और फिर ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला शुरू होता है, नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे आपके खिलाफ, आपको बाहर निकाल देंगे। इमरान खान के साथ सेम यही हुआ है, उसको MQM छोड़ के, नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ है। तो भाई ये जो सिस्टम है ना इसके अंदर गहराई तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इसका एक ही हल है, आप पॉलिटिकल स्ट्रगल करें यार, आप इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर ऐसा टाइम आएगा कि जब हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा, और हमें ये चीज़ें, लेकिन फिलहाल हमें ये चीज़ें समझने की जरूरत है, रियलिटी को जानने की जरूरत है। दिलशाद भाई आपको बताता चलो, शायद अगर आप कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, वीडियो तो आप अपनी देखते ही होंगे हमारे चैनल पर, लेकिन अगर कमेंट्स पढ़ते हैं देखने वाले मोस्टली इंडिया से हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, मतलब ये नहीं कि आप उनकी तारीफ करते हो, आप रियलिटी पे बात करते हो इसलिए अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बताएं कि इंडिया के बहुत से लोग ये भी कहते हैं, जब वो दूसरे अनएजुकेटेड लोगों की, पाकिस्तानियों की बात सुनते हैं, वो कहते हैं यार हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन चाहिए ही नहीं, मेरी अपनी ख्वाहिश है कि इंडिया के साथ रिलेशन हो, आप भी यही ख्वाहिश रखते होंगे कि इंडिया के साथ रिलेशन हो, क्या मैसेज इंडियंस को देना चाहेंगे कि यार देखें जो आप सोचते हैं कि पाकिस्तान से रिलेशन नहीं चाहिए, इसे थोड़ा सा आप फिलहाल थोड़ा हम कोशिश करेंगे बेहतरी की, तो रिलेशन बेहतरी की तरफ जाए? सबसे पहले तो जो लोग तारीफ करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगता है आप लोग जो है वो हमारी राय का एहतराम करते हैं और हमें सुनते हैं। और उसके बाद यार ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो जज्बाती बातें करते हैं यार, ये इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्लों, हमारे डिक्टेटर्स और हमारे सो कॉल्ड डमी प्राइम मिनिस्टर्स को बातें सुन के उनका ये हाल हुआ है, उनका खुद का कोई कसूर नहीं है। तो यार हम यही चाहते हैं, जो भी एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी है, जो भी एक तरक्की पसंद पाकिस्तान से मोहब्बत, वो वाकई में पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसकी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात आपस में बेहतर हों, हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, हम एक दूसरे के साथ एक हेल्दी कंपटीशन करें, हमारे यहाँ एक एजुकेशनल मामला हों कि हमारे यहाँ लोग इधर से जाएँ, उधर से उधर आएँ, जैसे हमारे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होने चाहिए, बच्चों को जो है वो मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, चीज़ें डिप्लोमेसी, क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ यार देखिए हम क्रिकेट को बहुत मिस कर रहे हैं, हम क्रिकेट के भी फैन हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की बहुत दिनों की सीरीज़ नहीं हुई, हम उसको भी मिस करते हैं यार। और हम देखें इंडियन लोग और पाकिस्तानी लोग, हमें तो ये भी है कि यार ना हमारा लैंग्वेज बैरियर है, हम सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, दिखते भी हमारे तकरीबन एक जैसे दिखते हैं, और हमारे यहाँ सिर्फ एक बॉर्डर बना दिया गया 1947 के अंदर, ठीक है,
अब ये एक और नई बहस चल जाएगी कि दो अब लोग मेरे पे ये इतराज करने लग जाएंगे कि आप टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते मेरे साथ। डिबेट प्रॉपर करेंगे टू नेशन थ्योरी के हवाले से, क्योंकि इंडिया में देखें, ये मेरी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि इंडिया ने टू नेशन थ्योरी को तो गलत साबित कर दिया है। वहाँ पे मुस्लिम भी रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, क्रिश्चियन भी रह रहे हैं।